हेलो गैस, तो कैसे हैं आप लोग। तो गैस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्पाइस मनी एप्लीकेशन को लेकर के। तो गैस, अगर आप भी स्पाइस मनी एप्लीकेशन में अधिकारी हैं और आप DMT 2.0 का इस्तेमाल करके किसी को पैसा भेजना चाहते हैं तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया है। तो गैस, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है स्पाइस मनी एप्लीकेशन का डैशबोर्ड ओपन हो रखा है। यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आप DMT 2.0 का इस्तेमाल करके आप मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिख रहा होगा DMT 2.0, आपको उस पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको क्या करना होता है, आपको कस्टमर ऐड करना होता है। जो भी कस्टमर आपके पास आया है पैसे ट्रांसफर करवाने के लिए, उसको आपको ऐड करना होता है। तो आपको सिंपली क्या करना है, आपको यहाँ पे ऐड कस्टमर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होता है। जैसे कि आपको नीचे दिखाई दे रहा है व्यू माय अर्निंग और यहाँ पे ऐड कस्टमर, तो आपको ऐड कस्टमर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप ऐड कस्टमर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको डिटेल भरना होगा। यहाँ पे जैसे कस्टमर का मोबाइल नंबर, कस्टमर नेम और डेट ऑफ बर्थ, कस्टमर एड्रेस और पिन कोड आपको यहाँ पे भर देना है। उसके बाद आपको सिंपली क्या करना होगा, यहाँ पे प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैंने कस्टमर की सारी डिटेल यहाँ पे भर लिया है। उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पे नीचे के साइड में जो प्रोसीड का ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको सिंपली प्रोसीड वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे एक OTP रिसीव होगा, यानी कि जो कस्टमर का मोबाइल नंबर आपने एंटर किया है उसी मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा, आपको OTP यहाँ पे सबमिट कर देना है। जैसे यहाँ पे आप सबमिट करेंगे, सबमिट करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा, कस्टमर रजिस्टर। उसके बाद यहाँ पे क्या है कि आपको बेनिफिशियरी डिटेल यहाँ पे ऐड करना होता है कस्टमर का। जैसे आप यहाँ पे OTP सबमिट कर देंगे, थोड़ा सा यहाँ पे वेट करेंगे, आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है कस्टमर का बैंक। उसके बाद यहाँ पे बेनिफिशियरी का अकाउंट नंबर, यानी जिसको आप पैसा भेज रहे हैं उनका अकाउंट नंबर यहाँ पे डालना है। उसके बाद यहाँ पे आपको IFSC कोड डालना है, बेनिफिशियरी का नाम डालना है और यहाँ पे आपको सिंपली क्या करना है, सबमिट कर देना है। जैसे आप सबमिट करेंगे एक OTP आएगा, कन्फर्म बेनिफिशियरी एडिशन। उसके बाद यहाँ पे आपको OTP जो है यहाँ पे फिल कर देना है। OTP फिल करने के बाद यहाँ पे आपको सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हो OTP आ चुका है, यहाँ पे मैंने OTP फिल कर दिया, सबमिट वाला ऑप्शन पे क्लिक कर दिया, यहाँ पे बेनिफिशियरी रजिस्टर हो गया। ठीक है, यहाँ पे नाम आ जाएगा सेंड मनी करके और यहाँ पे नाम आ जाएगा आपको पैसे भेजने के लिए, सिंपली उसी पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको अमाउंट डाल देना है, अमाउंट डालने के बाद यहाँ पे 0 लिख देना है, यहाँ पे जो यहाँ पे बॉक्स दिख रहा है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे सेंड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कन्फर्म ट्रांसफर डिटेल। उसके बाद आपको यहाँ पे डिटेल चेक कर लेना है और यहाँ पे आपको कन्फर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपसे पासवर्ड पूछेगा, आपको पासवर्ड डाल देना है। पासवर्ड डालते ही जो मनी है ट्रांसफर हो जाएगा बहुत आसानी से। तो गैस, ऐसे करके आप DMT कर सकते हैं 2.0 स्पाइस मनी एप्लीकेशन में, अगर आप स्पाइस मनी अधिकारी हैं तो। अगर आपको कोई क्वेरी है, आपको नहीं समझ में आया, तो आप मुझसे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं ताकि मैं आपको डिटेल बता सकूं। अगर आपको इनवॉइस डाउनलोड करना है तो नीचे डाउनलोड का ऑप्शन, आप डाउनलोड पर क्लिक करके इसका इनवॉइस डाउनलोड कर सकते हैं। तो गैस, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर देना और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।